तभी आप किसी झरने के पास बैठी और बस ध्वनि सुनी। हाँ, वो ध्वनि मन को शांति कर देती है, हमें एक आनंद सा भर देती है। वैसे मैं कहता हूं नैसर्गिक संगीत। कभी सोचा है ये संगीत उत्पन्न करने के लिए जल को कितने परिश्रम करने पड़े, क्या कुछ करना पड़ा? सोचिए वो जल कहां कहां से गिरा होगा, किन किन चट्टानों से जाके टकराया होगा, कैसी तीक्ष्ण रेखाओं का सामना किया होगा, उसे कैसे लांघा होगा, अपने तन में समाहित उन पत्थरों से कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे आगे बढ़ा होगा। सोचिए ये सब होने के पश्चात ही ये संगीत सुनना संभव था। इस झरने का ये सुंदर संगीत आपके कान तक कभी पहुंचता ही नहीं। यदि उस जल का विरोध करने वाले पत्थर ना होते, इसका तात्पर्य क्या? तात्पर्य एक ही है, इन बाधाओं का सामना करें, इनसे दूर ना भागें, क्योंकि ये बाधाएं ये नैसर्गिक, सभी के जीवन में ये बाधाएं आती हैं, इनका सामना करें, जीवन में आगे बढ़े। और आप भी स्वयं से उत्पन्न कीजिए ये नैसर्गिक संगीत और इस संसार में फैलाइए शांति और प्रसन्नता। राधे राधे।